फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स करंट अफेयर 2017 जुलाई सेकंड वीक इन हिंदी। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपोलॉजी फ्रॉम माय साइड कि मैं इस बार के जो सेकंड वीक का जो करंट अफेयर है वो मैं आपके लिए काफी लेट लेके आया हूँ। जो थर्ड वीक होगा वो मैं जरूर आपके लिए टाइम के ऊपर लेके आऊंगा और आपको उससे पेपर में काफी हेल्प मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो सेकंड वीक ऑफ जुलाई के जो करंट अफेयर है वो मैं आपको हिंदी में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको वो कैप में प्रॉब्लम है तो आप वो कैप 24 ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जीके के लिए जीके 24 ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमें जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और अच्छे वीडियोस कंटेंट प्रोवाइड कर सकें आपके आने वाले पेपर के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन देखेंगे इंटरनेशनल, उसके बाद चलेंगे नेशनल की तरफ। ट्रेड एंड बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, सभी कुछ अपन हमेशा की तरह इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2017। तो देखिए, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी के अंदर यानी कि साइबर इंटरनेट के ऊपर आपकी कितनी सिक्योरिटी है उसके ऊपर एक इंडेक्स बनाया गया है, उसमें भारत की रैंकिंग पूछी गई है। तो देखिए, 2017 की अगर GCI की रैंकिंग देखी जाए तो भारत की जो रैंकिंग है वो 23वें नंबर की है, ओके, 165 नेशंस के अंदर। यानी कि अगर देखा जाए इंडिया को तो अच्छी रैंकिंग है इंडिया की। अगर 23 रैंकिंग आई है तो इसको अपन अच्छी कैटेगरी में, गुड कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है, कि जो इंडिया की साइबर सिक्योरिटी है वो काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग है 23 और इसको किसने रिलीज किया है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे सिंगापुर ने फर्स्ट रैंक हासिल करी है। सबसे पहले तो ये आपके लिए दो तीन चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। एक तो फर्स्ट रैंक सिंगापुर की है, दूसरा भारत की रैंकिंग क्या है, तीसरा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ये क्या है। देखिए, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का जो पहले नाम होता था वो इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन होता था, इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, ओके, यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम करती है। 1865 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, बहुत पहले की फॉर्म डे है, ओके। और अगर अपन इसका बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो ये जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर जानना। साथ में अब इसके जो हेड है वो कौन है, हॉलिन जियो इसके हेड हैं अभी इस ऑर्गेनाइजेशन के, ITU के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री विल होस्ट ब्रिक्स समिट 2017। तो ब्रिक्स समिट 2017 का कौन सा देश है जो कि होस्ट करेगा, ओके। तो देखिए, यहाँ पे अगर अपन बात करें कि ब्रिक है क्या, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है ब्रिक, सभी को पता है पांच देशों का समूह है जिसमें 2010 में ऐड किया था साउथ अफ्रीका को, पहले ब्रिक था ये लेकिन 2010 में ऐड कर लिया गया ब्रिक को। सारे जो डेवलपिंग है न्यू इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है वो सभी इसके मेंबर्स हैं, यानी कि जो पांचों हैं वो सभी कैसे हैं, डेवलपिंग और न्यू इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है, ओके। जो ये पांचों देश है वो G20 के भी मेंबर है। साथ में अगर अपन बात करें कि 9th जो समिट होगा, ठीक है, 9th समिट जो होगा 2017 का वो कहाँ पे होगा, चाइना के अंदर होगा। तो आपका जो आंसर है वो है बी, ओके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और G20 का समिट आपको पता ही है, G20 का समिट कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज पुट ऑन हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट बाय यूनेस्को रिसेंटली। तो डेंजर लिस्ट, यूनेस्को के बारे में आपको पता ही, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसने डेंजर लिस्ट बनाई है, उसके अंदर एक जो हेरिटेज जगह है, ठीक है, उसको क्या करा है, एक सिटी है उसको क्या करा है, उसमें लिस्ट में किया है। अब ये कौन सी है ये आपको बताना है। तो यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है ओल्ड सिटी ऑफ हेब्रॉन ऑन अनडेंजर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अनडेंजर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डाला है किसी को, सिटी ऑफ हेब्रॉन को। हेब्रॉन किस कहां पर है, ठीक है, पैलेस्टीन के अंदर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे इसी की वजह से इसराइल ने इसको थोड़ा प्रोटेस्ट भी किया, क्योंकि इसराइल और पैलेस्टीन इशू आपके बाद में आपको पता ही है कि इसराइल और पैलेस्टीन के इशू कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों देशों के अंदर इंडिया पाकिस्तान जैसी लड़ाई है, ओके। और अगर अपने यहाँ पे बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसका हेडक्वार्टर जो कि कहाँ पर है, पेरिस में है, ओके। और फॉर्मेशन डेट 16 नवंबर 1945 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। स्पेशलाइज एजेंसी है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही है, कल्चर वल्चर ये सब देखना इसका काम है। और मेंबरशिप की बात करें तो 195 कंट्रीज है जो कि इसके मेंबर हैं, कितने, 195। पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले सवाल है। साथ में इसकी हेड कौन है, इरिना बोकोवा इसकी हेड है, इरिना बोकोवा, ये नाम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, इनके हेड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, हेब्रॉन होगा, हेब्रॉन से, ओके, किसकी है, पैलेस्टीन की है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पर है, वेस्ट बैंक के अंदर है, ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक है, वहाँ पर है ये। नेक्स्ट देखते हैं,
ये देखिए, मैं आपको मैप के थ्रू भी बताना चाहूँगा कि देखिए, जैसे शुरू के अंदर 1947 में ये पैलेस्टीन था पूरा का पूरा। इसमें इतनी सी जो ये वाइट वाले हैं, ये जूश लोगों की पॉपुलेशन थी, जूश जो अभी इसराइल के अंदर रहते हैं, और ये पूरा पैलेस्टीन था। उसके बाद में वक्त बढ़ता गया, यूएन प्लान आया, इसराइल को रिकग्नाइज किया गया एज ए देश, और ये जेरूसलम थी कैपिटल, और ये पैलेस्टीन बन जा। उसके बाद में इसराइल बढ़ता गया, पैलेस्टीन कम होता गया, और अभी राइट नाउ पैलेस्टीन जो है वो इतना सा है, ठीक है, और ये बाकी पूरा इसराइल है, और यहाँ पे दोनों के बीच में इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज होस्टेड G20 समिट 2017? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि G20 जो समिट है वो कहाँ पे, जर्मनी में हुआ है, ओके, 7-8 जुलाई को। और G20 क्या है, एक ग्रुप है जहाँ पे हेड जो होते हैं स्टेट की, उनकी मीटिंग होती है, फाइनेंस मिनिस्टर की, सेंट्रल बैंक के, गवर्नर्स की। और नेक्स्ट जो होगा वो कहाँ होगा, 2018 का अर्जेंटीना में होगा, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए देखने बहुत ज़रूरी है, और आपको पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल सकता है। और अभी जो चेयरपर्सन थी वो कौन थी, जर्मनी की हेड ही होगी, एंजेला मार्कल थी 2017 की, और अगर नेक्स्ट में कौन होगा, अर्जेंटीना के हेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड 22 वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस? तो कौन सा देश है जिसने 22वां वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस को होस्ट किया, ठीक है। इंडिया के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपको याद करना। सबसे पहली चीज, ये इस्तांबुल टर्की गए विजिट करने वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस को, तो आपको जो आंसर है वो तो हुआ टर्की, टर्की में हुई थी है, ठीक है। और यहाँ पे कई सारी जो चीज़ें हैं पेट्रोलियम को लेकर वो यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, और यहाँ पे एक इवेंट था जो मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च किया था एक इवेंट, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, जो प्रोसेस जो ये क्या है उसका पार्ट है, किसका, प्रमोट करने का ऑयल को, गैस को इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इसका नाम है हेल्प, ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। तो अगर हेल्प नाम का जो ये प्रोसेस है वो किसने स्टार्ट किया है, इवेंट है, तो ये अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं किसने, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ जापान गेन्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस? तो यूनेस्को जो जापान है उसका कौन सा ऐसा आइलैंड है, ठीक है, जिसने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के अंदर जो रिसेंटली इसको इंक्लूड किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो देखते हैं न्यूज़, ए मैन ओनली आइलैंड। तो देखिए इस आइलैंड के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है, सिर्फ मैन ही अलाउ है, वुमेन इस आइलैंड के ऊपर अलाउ नहीं है, ठीक है, बैंड है वुमेन, और उसका नाम है ओकिनो शिमा। ओकिनो शिमा आइलैंड है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस दिया है। तो आपका जो आंसर है वो तो है डी, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड नंबरों के लिए जो परमिशन है वो मिलती है, ये सी ऑफ जापान के अंदर है, ईस्ट सी के अंदर। अ मॉडल यूनाइटेड नेशंस रीजनल कॉन्फ्रेंस इज बीन हेल्ड एट काठमांडू, इन दिस कॉन्फ्रेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी ऑफ यूएन नॉट पार्टिसिपेटेड? तो देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक मॉडल यूनाइटेड रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे, काठमांडू के अंदर हुई थी। तो इसके अंदर कौन सी यूएन की जो कमेटी है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? देखिए यहाँ पे जो कमेटी ने पार्टिसिपेट किया था वो थी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, नैरोबी में जिसका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा इकोफिन, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी, उसके अलावा यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो इन सभी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे जिसने नहीं किया था वो क्या है, यूनेस्को है, ठीक है, यूनेस्को यहाँ पे नहीं थी, ओके। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काठमांडू में ये इवेंट हुआ था। वॉट इज इंडिया रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2017? तो भारत की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है उसमें रैंकिंग क्या है? तो देखिए बहुत ही पुअर रैंकिंग है भारत की, 116 रैंकिंग है 157 नेशंस के अंदर, एस डी जी के अंदर। एस डी जी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ओके। ऑफिशियली क्या कहते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मिंग आर वर्ल्ड द 230 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये इसकी टैगलाइन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं। 2030 तक अपन ने इसको डिफाइन करने, कितने, 17 तो ग्लोबल गोल्स हैं, यानी कि पूरी ग्लोबली इनको अपना लेने चाहिए। उसके अलावा 169 टारगेट हैं, और भी कई सारे टारगेट्स हैं जो कि 169 हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आते हैं। 193 मेंबर जो हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो सब इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ओके। और यहाँ पे अगर अपन बात की जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे कहाँ से ये होती है, तो ये यूनाइटेड नेशन से ही होती है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन से इसको पूरा का पूरा, मैंने वो पूरा का पूरा जो इसका मेंटेनेंस है, इसको कहाँ, कितने लोगों ने, देशों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, नहीं किया है, कितने लोग कर पाए हैं, उनकी रैंकिंग है, ये सभी यूनाइटेड नेशन देखता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है 116। अब देखते हैं नेशनल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया स्कीम इज लॉन्च फॉर द। तो कई बार आपसे पूछा जाता है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसकी, ठीक है, स्कीम के बारे में पूछा जाता है कि वो कौन किस चीज़ को लेकर, किस मिनिस्ट्री ने, किस डिपार्टमेंट ने उसको लॉन्च करी है। तो यहाँ पे जो क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया स्कीम है ये किसके लिए लॉन्च करी गई है, ये आईपीआर के लिए लॉन्च करी गई है,
ठीक है, आईपीआर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी है 2016 की, तो उस चीज़ को अवेयरनेस को लेकर ये जारी करी गई है, और डिपार्टमेंट ऑफ जो अपना इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है उसके अंदर ये करा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के, ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो तो आईपीआर हो जाएगा, अवेयरनेस। और अगर अपन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, जिसको अपन WIPO कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज होस्टेड रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो कौन सी सिटी है जिसने होस्ट किया रीजनल कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर? गुड गवर्नेंस के ऊपर और एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर, ओके, तो अगर अपन इसकी बात करें कि कौन सी जगह पे ये किया गया है, तो ये कहाँ पर हुआ है? नैनीताल के अंदर हुआ है। डायरेक्टली चीज़ें आपको याद करनी है कई जगह की, तो ये कहाँ पर हुआ है? नैनीताल के अंदर हुआ है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। दो दिन की कॉन्फ्रेंस थी गुड गवर्नेंस और एप्लीकेशन ऑफ गुड बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर, जहाँ पर 12 स्टेट, 4 यूनियन टेरेटरीज और बाकी सारे कई रीजन ने आके पार्टिसिपेट किया। क्वाथालंग तोपाई रिवर इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये जो क्वाथालंग तोपाई एक रिवर है, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है? कर्णाफुली रिवर। ये कौन से स्टेट के अंदर है? तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, इसका एक रीज़न है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक ब्रिज, कहाँ पे? मिजोरम बॉर्डर के अंदर। तो मिजोरम बॉर्डर है, वहाँ पे एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इसीलिए जिस रिवर के ऊपर किया जा रहा है, इसीलिए उसका जो नाम है वो इम्पोर्टेंट बन गया आपके पेपर के लिए। तो कर्णापुली या फिर क्वाथालंग तोपाई उसका नाम है, ठीक है, कम्युनिकेशन दोनों देश में बढ़ाने को लेकर करा गया है, ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है मिजोरम के अंदर ये बनाया जाएगा। विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट इन इश्यूएंस ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड, तो देखिए एक स्टेट है जिसने टॉप किया है किसके अंदर? इश्यूएंस के लेकर, सॉइल हेल्थ कार्ड को लेकर। तो सभी को पता है कि सॉइल को लेकर कई जगह पर हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं, तो कौन सा देश स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा ये रजिस्ट्रेशन किया है? तो वह छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है लिस्ट ऑफ स्टेट इन इश्यूएंस ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड, ओके, यहाँ पर देखिए कई सारे लाखों की तादाद में इन्होंने जारी करे हैं, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह है छत्तीसगढ़। इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर दलित स्टूडेंट विल बी सेट अप इन विच सिटी, तो देखिए दलित को लेके, दलित जो अपने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है उनको लेके पहली यूनिवर्सिटी बनाई गई है, ये कौन से सिटी के अंदर बनाई गई, ये आपका सवाल है। तो इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर दलित स्टूडेंट टू कम अप इन हैदराबाद, तो हैदराबाद के अंदर इसको बनाया गया है, ठीक है, और हैदराबाद किसकी कैपिटल? तेलंगाना की कैपिटल है, आपको ध्यान रखना, पहले किसकी थी? आंध्र प्रदेश की थी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी सेटअप करी गई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ दलित स्टूडेंट के लिए है। फर्स्ट गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, तो पहला जो स्टेट ऑफ माइनॉरिटी है अपने, माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्टर है, ठीक है, मुख्तार अवी नकवी, जो कि माइनॉरिटी को देखते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की बात करी है, जिसका नाम है गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। ये कौन करा रहा है? मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स करवा रही है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बात करना है कि कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, ये आपका सवाल है, तो इसके अगर इनॉग्रेशन की बात की जाए कहाँ पे कराया गया है, तो ये हैदराबाद के अंदर कराया गया है, तो आपका जो आंसर है वो है हैदराबाद, ओके, तो नकवी ने इनॉग्रेट किया है पहला गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैदराबाद के अंदर। तो यहाँ पे देखिए दो हैदराबाद है आपके पास में, एक तो दलित वाला भी और साथ में स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, तो भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में मिल सकता है आपको। जो वॉल सिटी है अहमदाबाद की, ठीक है, जिसको अहमद शाह ने फाउंड किया था, सुल्तान अहमद शाह 15वीं सेंचुरी में, तो इसको डिक्लेयर किया है फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, ठीक है, अहमद नाम से अहमदाबाद बनाया गया है, और इसको भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के तौर पर बताया गया है। तो आपका जहाँ पर आंसर है वह है अहमदाबाद, जो कि कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है, ठीक है, और ये कौन सी है? गुजरात की लार्जेस्ट सिटी भी है, फॉर्मर कैपिटल भी थी, और यहाँ पे जो गुजरात का हाई कोर्ट है वो भी यहीं पर ही है, ठीक है, 6.3 मिलियन इनकी के पॉपुलेशन है नियर बाय, और एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी 7.8 मिलियन तक आने वाले टाइम के अंदर। 6th लार्जेस्ट सिटी है, 7th लार्जेस्ट मेट्रोपोलिटन एरिया है इंडिया का, ठीक है, कौन सी रिवर के ऊपर है? अहमदाबाद, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो रिवर है जो कि अहमदाबाद के ऊपर बनी हुई है, अहमदाबाद जिस रिवर के ऊपर बना हुआ है वह है साबरमती रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया विल इनिशिएट द हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ डैश नेशंस फॉर द रिपब्लिक डे परेड एंड सेलिब्रेशन इन 2018, तो इंडिया किन देशों के हेड ऑफ गवर्नमेंट को अपॉइंट बुलाने वाला है
रिपब्लिक डे की परेड के ऊपर 2018 के अंदर। जैसा कि आपको पता है अभी जुलाई तो आ ही चुका है और जनवरी, 26 जनवरी आज दूर नहीं है 2018 की, तो वहाँ पे अपन कई देशों के जो हेड है उनको बुलाने वाले हैं। तो ये कौन से देश हैं, ये 10 एशियन नेशंस हैं, जो ऑल 10 एशियन के जो मेंबर नेशंस के जो मेंबर हैं उनको अपन रिपब्लिक डे के परेड के अंदर बुलाने वाले हैं। एशियन के कौन से मेंबर है, पहले एशियन के फुल फॉर्म याद कीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और देखिए ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लायोस, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये सभी इसके मेंबर हैं। और ये सब जो इनके हेड है वो आएंगे अपने रिपब्लिक डे के परेड के ऊपर। तो आपने इन्वाइट किया है एशियन को, हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता में। ओके, बहुत ही आसान सा सवाल है ये भी कि इसका हेडक्वार्टर के लिए, तो जो एशियन नेशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस उनके डेवलपमेंट के ऊपर ये काम करता है। 1967 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है, बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, 1967 के अंदर। ओके, यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPS मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी। तो देखिए NPS मोबाइल ऐप है ये कौन सी जो एंटिटी है उन्होंने लॉन्च किया, ये आपका सवाल है। टू प्रमोट एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द नेशनल पेंशन स्कीम एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सब्सक्राइबर, PFARDA is observing NPS fortnight from 11 July 2017 successfully. ओके, तो यहाँ पे कौन सी एंटिटी ने स्टार्ट किया है, NSDL ने किया है, ठीक है, NSDL ने इसको स्टार्ट किया है। और यहाँ पे देखिए किस लिए करा गया है, ताकि जो नेशनल पेंशन स्कीम है इसको प्रमोशन मिल सके, लोगों में अवेयरनेस मिल सके नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर। तो NSDL ने क्या है, लिंक डेवलप किया है जिससे ये काम होगा। तो आपका जो आंसर है वो है डी। रिसेंटली जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, उन्होंने लॉन्च किया है न्यू टैक्स पेयर सर्विस मॉड्यूल, उसका नाम क्या है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, आयकर सेतु, आयकर सेतु नाम का ये टैक्स पेयर सर्विस मॉड्यूल तैयार किया है इन्होंने। ओके, यहाँ पे जो आपका आंसर है वो तो ये हो जाएगा बी, आयकर सेतु। और इसमें क्या होगा, कंप्लायंस होगा, वेरियस टैक्स टूल्स होंगे, लाइव चैट फैसिलिटी होगी, डायनामिक अपडेट्स होंगे, इंफॉर्मेशन लिंक्स होंगे जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे। तो मदद के लिए, लोगों की जनता के लिए इसको बनाया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू सेट अप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स सिटी। तो कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स सिटी को फॉर्मेशन करेगी। तो ये कौन है, CM है कहाँ के, उड़ीसा के, नवीन पटनायक, उन्होंने ये अनाउंस किया है। ओके, मेगा इंटरनेशनल इवेंट भी यहाँ पे कराएंगे फ्यूचर के अंदर। तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो है क्या है, उड़ीसा। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी लॉन्च विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोग्राम अलॉन्ग विद द नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी टू टेक एजुकेशन टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। तो जो प्रेसिडेंट अपने प्रणब मुखर्जी, उन्होंने दो प्रोग्राम लॉन्च किए नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ताकि एजुकेशन को देश के कोने कोने तक लेके जा सके, तो उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो तरीके के कोर्सेज है, चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, एक तो है स्वयं, एक है स्वयं प्रभा। स्वयं क्या है, डिजिटल क्लासरूम प्रोवाइड करेगा, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और जो स्वयं प्रभा है इसके अंदर क्या होगा, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज होगी, यानी कि वो क्या कर सकता है, घर पे ऊपर इंस्टॉल कर सकता है डिश एंटीना 1500 रुपये तक का, और एक्सेस कर सकता है 32 एजुकेशनल चैनल्स जो कि HRD मिनिस्टर चलाइए। और जो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है, ये वेरीफाइड एजुकेशनल रिकॉर्ड है जो कि डिजिटली स्टोर होते हैं यूनिवर्सिटीज और बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है बी, बी, इस नाम की दो एजुकेशन वाली चीज़ें चलाई जाएगी। द फर्स्ट एडिशन जो विंग्स 2017 का है, जो अपन एक्सपेंडिंग रीजनल कॉर्पोरेट कनेक्टिविटी, वॉज होस्टेड इन न्यू दिल्ली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ विंग्स 2017। तो देखिए विंग्स 2017 नाम की टैगलाइन आपको बतानी है कि क्या थी उसकी टैगलाइन। और पहले विंग्स का नाम है तो सबसे पहले आप समझ ही सकते हैं कि जो अपना एयरपोर्ट है उससे चीज से रिलेटेड है, एविएशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। और यहाँ पे एडिशन उसकी थीम क्या है, सब उड़े सब जुड़े, सभी लोग उड़े और सभी लोग जुड़े, ये इसकी थीम है। तो यानी कि सी आपका आंसर है। और ये फास्ट इंडिया क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है दुनिया में, और अभी राइट नाउ 9th लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट है दुनिया में, और थर्ड बन सकता है 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च्ड अ वर्चुअल सर्विस विथ एन इनबिल्ड सिक्योरिटी सिस्टम नोन एज। तो रेलवे ने लॉन्च किया अभी रेल क्लाउड, ठीक है, रेल क्लाउड क्या है, वर्चुअल सर्वर है विथ एन इनबिल्ड सिक्योरिटी सिस्टम दैट विल अनेबल फास्टर कनेक्टिविटी एट अ रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है। तो इंडियन रेलवे ने रेल क्लाउड स्टार्ट किया है, एक वर्चुअल सर्वर है जो कि इनबिल्ड सिक्योरिटी सिस्टम है, जो कि फास्टर कनेक्टिविटी कर सकता है रेलवेज की, और वो भी रिड्यूस कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर है वो क्या है, रेल क्लाउड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुमेन ब्लू बॉर्डर्ड साड़ी डिक्लेयर्ड एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आने वाले पेपर में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है, या इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मिल सकती है,
ठीक है, तो वो सारी अपन डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ब्लू बॉर्डर्ड साड़ी की बात की जा रही है। साड़ी ब्लू बॉर्डर्ड किन की है? मदर टेरेसा की है, सेंट टेरेसा की। तो इनकी जो साड़ी है ये, इनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड किया गया है। ओके, और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले तो इनको सेंट बनाया गया है, तो यानी कि आपका जो आंसर है वो तो मदर टेरेसा हो गया। ओके, और यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो हैं वो क्या है कि जैसे कि मदर टेरेसा, क्या कैथोलिक चर्च ने इनको सेंट टेरेसा दिया है, और ये कोलकाता में रहा करती थी। अल्बेनियन इंडियन रोमन कैथोलिक नन थी है, और इनकी बॉर्न कहाँ हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्कॉपजी के अंदर इनका बॉर्न हुआ था। स्कॉपजी कहाँ पर है? मैसिडोनिया के अंदर, ठीक है, मैसिडोनिया में। तो ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पूछ सकते हैं। ओके, उनकी डेथ कब हुई थी? 1997 में हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता के अंदर हुई थी, ठीक है। और उनका फुल नाम क्या है? सेंट टेरेसा ऑफ कैलकटा इनको कहा जाता है। कई सारे इनको अवार्ड मिले हैं, जैसे कि नोबेल अवार्ड भी दिया मिला है, नोबेल पीस अवार्ड, भारत रत्न, ऑर्डर ऑफ द स्माइल, कई सारे बड़े बड़े अवार्ड इनके नाम पे दिए गए हैं। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो इंडियन ट्रेड रजिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने ग्रांट करी है परमिशन कि वो इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में एड ऑन कर सकते हैं। श्री जेपी नड्डा लॉन्चेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, सबसे पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। और जेपी नड्डा अपने कौन है? हेल्थ मिनिस्टर है, ये आपके लिए ध्यान रखना जरूरी है। तो उन्होंने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है? मिशन परिवार विकास, मिशन परिवार विकास नाम से इन्होंने लॉन्च किया है, और ये 146 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया है, 7 स्टेट के अंदर, ठीक है। ये एक नया इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक फोकस के ऊपर लेके बनाया गया है, इंप्रूव करने को लेकर, जो सर्विसेज है, प्रमोशनल स्कीम्स है, कम्युनिटी सिक्योरिटी है, इन सभी चीज़ों को लेकर। ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा मिशन परिवार विकास। तो ये आपका जो आंसर है वो है डी, मिशन परिवार विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट? तो देखिए विच कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने पब्लिश की है, करती है एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट? एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का मतलब क्या है कि किसी देश के अंदर कितना आसान है बिजनेस करना, उसके बिहाफ के ऊपर ये रैंकिंग बनाई जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए नंबर वन पे जो देश है वहाँ पे इतना आसान है बिजनेस करना, उसके ऊपर वो क्या होगा, नंबर वन पे रैंकिंग पे आ जाएगा। यानी कि जो वहाँ के रूल्स है, क्राइटेरिया है, बाहर के लोगों को आना, बिजनेस का सेटअप करना, वो बहुत आसान है। और इसको लॉन्च करने वाला, देखिए यहाँ पे ये चीज़ न्यूज़ में क्यों आई है, पहले सबसे पहले ये देखिए, न्यूज़ में आने का उसका एक कारण है क्योंकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, ये 3 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं एज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। नीति आयोग के जो CEO हैं अमिताभ कांत, उन्होंने ये कहा है। तो यानी कि ये 3 नाम आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ये तीनों स्टेट्स का लेके। इसके अलावा तमिलनाडु, केरला, आसाम, ये वर्स्ट रैंकिंग के अंदर है। और आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है इंटरनेशनली एज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको बताइए सब कुछ। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? Washington DC के अंदर है, ठीक है, Washington DC। DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। विच स्टेट यूनियन टेरेटरी बिकेम द सेकेंड स्टेट टू लॉन्च ERTI पोर्टल दैट विल एनेबल सिटीजन्स टू फाइल ऑनलाइन राइट टू इन्फॉर्मेशन? तो कौन सा ऐसा सेकेंड स्टेट या यूनियन टेरेटरी है जिसने ERTI पोर्टल लॉन्च किया है, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आपका सूचना का जो अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो आप ऑनलाइन जाके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिससे कि सिटीजन क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन राइट टू इन्फॉर्मेशन। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पहले खुद का एक ऑनलाइन जो RTI एजुकेशन एप्लीकेशन पोर्टल है वो 2003 में लॉन्च किया था, उसके बाद में महाराष्ट्र ने लॉन्च किया था, और अभी कुछ दिल्ली ने लॉन्च किया है। तो आपका जो आंसर है वो है दिल्ली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल बी द बेस ईयर फॉर द न्यू रेसिडेक्स? तो रेसिडेक्स क्या है? ये एक हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, जो कि क्वार्टरली अपडेटेड किया जाता है नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा, नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। तो इन्होंने अपना जो बेस ईयर है वो बदल दिया है, 12-13 कर दिया है, 2012-13, ठीक है। जो अपने अर्बन मिनिस्टर कौन है? वेंकैया नायडू, जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट के लिए फॉर्म भी भर रहे हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी जरूरी है। इन विच सिटी द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI विल बी एस्टैब्लिश? तो कौन सी सिटी है जहाँ पर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाएगा? ओके, ये आपका सवाल है। तो वाराणसी के अंदर ये सेटअप किया जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो है वाराणसी, ठीक है। जो यूनियन कैबिनेट चेयर किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया है इस्टेब्लिशमेंट किसका? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये क्या है? साउथ एशियन रीजनल सेंटर है, ठीक है। और इसका कैंपस कहाँ पर है? नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के अंदर है। कहाँ पर? वाराणसी के अंदर।
और ये क्या हेल्प करेगी यूटिलाइज करने के लिए जो रिच बायोडाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, ताकि अच्छे से क्या हो सके, राइस का कल्टीवेशन हो सके, वराइटीज राइस की आ सके और अच्छा प्रोडक्शन अपन कर सके न्यूट्रिशन कंटेंट के साथ में। ठीक है, तो आपका आंसर है ए यहाँ पे। कैबिनेट ने अप्रूव किया है अभी अपग्रेडेशन और वाइडनिंग 65 किलोमीटर की इम्फाल मोहरा सेशन को लेकर। और ये जो सेक्शन है ये कौन से नेशनल हाईवे का पार्ट है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 65 किलोमीटर का है ये टोटल जो रूट है, जो नेशनल जो अपने कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स की, जिसको चेयर कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, उन्होंने अप्रूवल दिया है कि 65 किलोमीटर की रोड है उसको अपग्रेड कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं इम्फाल मोहरा सेक्शन को, जो कि NH 39 है। तो आपका जो आंसर है वो तो है डी, और ये कहाँ पर है, मणिपुर के अंदर है। तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है इस वाले पार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द एजिस ऑफ विच मिनिस्ट्री 8th एडिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट कार्निवल ऑफ थिएटर इन द वर्ल्ड विल टेक प्लेस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एवर फ्रॉम 17 फरवरी टू 18 अप्रैल 2018। तो 2018 के अंदर इंटरनेशनल थिएटर होने वाला है, थिएटर ओलंपिक इसको कहते हैं अपन, इंटरनेशनल थिएटर ओलंपिक। तो ये इंडिया के अंदर होने वाला है, इंडिया 8th इंटरनेशनल थिएटर ओलंपिक को होस्ट करने वाला है। ओके, तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि जिसके अंदर ये काम होंगे, ठीक है, तो आपको ये बताना है। और कौन सी मिनिस्ट्री होगी, ऑब्वियस अगर थिएटर की बात की जा रही है, कल्चर की बात की जा रही है, तो मिनिस्टर ऑफ कल्चर इसका आंसर होगा, जिसके हेड कौन है अभी, डॉक्टर महेश शर्मा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म है, जिन्होंने अनाउंस किया है कि 8th एडिशन इंटरनेशनल जो थिएटर ओलंपिक है उसका कराया जाएगा। और ऑर्गेनाइज कौन कराएगा, NSD कराएगी। NSD क्या है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि दिल्ली में है अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। स्पीकिंग एट द लॉन्च ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 1722 यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा सेड दैट द गवर्नमेंट वुड लाइक टू एलिमिनेट मलेरिया बाय। तो देखिए, अभी नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जारी किया गया था मलेरिया को हटाने के लिए देश से, 17 से 22 तक का किया गया है। तो यानी कि 2022 तक देश का चाहता है कि हम मलेरिया से क्या हो जाए, फ्री हो जाए। तो आपका जो आंसर है वो तो 2022 हो जाएगा। ओके, JP नड्डा कौन है, हेल्थ मिनिस्टर है अपने, उन्होंने इसको अनाउंस किया है, ठीक है, और आपको ये नाम ध्यान रखना जरूरी है। 2022 में अपन ने एलिमिनेट करने की बात करी गई है। और मलेरिया क्या है, मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन डिजीज़ है, जो कि ह्यूमन और अदर एनिमल से इन्फेक्ट होते हैं, पैरासाइटिक प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ से ये इन्फेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें फीवर होना, टायर होना, वॉमिटिंग होना, ये सब इसके फीचर्स हैं। कौन सा मॉस्किटो है जिससे होते हैं, एनोफेलस नाम का मॉस्किटो है, ठीक है, जिससे ये होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द MD ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन, यानी कि जो NHRC है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन, उसके MD कौन बनाए गए हैं, ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, और सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इंडिया में हाई स्पीड रेल की आपको बात हो रही है। आप सभी को पता है कि 2023 तक अपन ने बुलेट ट्रेन को लॉन्च करने का बात करी है, जो कि कहाँ से चलेगी, मुंबई से अहमदाबाद रूट के ऊपर चलेगी, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको ये सिर्फ नोट कर लेनी चाहिए, ठीक है। द ट्रेनिंग सेंटर, और उसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो ऑपरेट हो जाएगा कब से, 2020 से। और यहाँ पे जो MD है इसके, वो कौन है, अंचल खरे है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है, अंचल खरे है, जो कि इसके MD है, NHRC है, जो कि हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन है। 14 जुलाई 2017 को इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किए थे 1600 HP सोलर पावर डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन फ्रॉम। तो देखिए, 14 जुलाई को अपन ने लॉन्च किया था, इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया 1600 HP सोलर पावर डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन। तो ये कहाँ से कहाँ इसको लॉन्च किया गया, ओके, ये आपका सवाल था। सबसे पहले आपको ध्यान रखना जरूरी है कि मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है, सुरेश प्रभु हैं। तो इन्होंने डेडिकेट किया था देश को 1600 HP का डीमू ट्रेन, यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, जो कि सोलर पावर्ड है। उसके जो कोचेस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सोलर पावर्ड है। जो अपनी कोच फैक्ट्री है चेन्नई के अंदर, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था और सोलर पैनल इन्होंने लगाए हैं। और ये सराय रोहिला से गढ़ी जगह है हरियाणा के अंदर, वहाँ इसको चलाया गया, ठीक है। तो ये ट्रेन कहाँ से स्टार्ट गई, सराय रोहिला से। तो आपका जो आंसर है वो है बी, और कहाँ गई थी, गढ़ी गई थी, जो कि हरियाणा में है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू हैव अ लॉ अगेंस्ट सोशल बायकॉट। तो कौन सा ऐसा स्टेट है पहला जहाँ पर लॉ बनाए गए हैं सोशल बायकॉट को लेकर, ठीक है। तो यहाँ कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र है वो, जिसने पहली बार ऐसा किया है। तो आपका जो आंसर है वो तो हुआ सी, ठीक है। और 2016 के अंदर विद द, थोड़ी न्यूज़ और देखते हैं इसकी, विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिविंग असेंट टू द महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल बायकॉट एक्ट 2016, महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू ब्रिंग अ लॉ मेकिंग सोशल बायकॉट अ क्राइम। तो सोशल बायकॉट नहीं कर सकते आप, उसको लेके ये लॉ बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट हैज बीन रैंक फर्स्ट इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स सर्वे। तो कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसको फर्स्ट रैंक दिया गया है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को लेकर? ठीक है, तो रायपुर का जो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है वो देश में बना है पहला कस्टमर सेटिस्फैक्शन एयरपोर्ट, जो कि देश के 49 एयरपोर्ट के अंदर से निकाला गया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी सर्विस है जो कि इस एयरपोर्ट ने दी है, पार्किंग को से लेकर, पैसेंजर फैसिलिटी से लेकर, क्लीननेस से लेकर। तो आपका जो आंसर है वो है ए। अब देखते हैं ट्रेड एंड बैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नैल्को जिसने कोलैबोरेशन किया था उड़ीसा इंटरनेशनल, उड़ीसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ में, जो कि एक एल्यूमिनियम पार्क सेटअप करेगी कहाँ पर? तो देखिए, नैल्को ने कोलैबोरेशन किया है उड़ीसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ में कि वो एक एल्यूमिनियम पार्क के अंदर ये सेटअप करेगी। तो इस और कहाँ करेगी? उड़ीसा के अंदर ही करेगी। तो आपका जो आंसर है वो क्या है? उड़ीसा। ठीक है, एल्यूमिनियम पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी लॉन्च रुपे डेबिट कार्ड? तो कौन सी ऐसी एंटिटी है जिसने लॉन्च किया है रुपे का डेबिट कार्ड? तो रुपे ने टैप रेन्यू किया है डील्स विद द वीजा मास्टर कार्ड। तो जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, इज लुकिंग एट इंक्रीज अप टेक ऑफ इट्स रुपे डेबिट कार्ड अमॉन्ग प्रीमियम कस्टमर्स एज डील्स एंड बिटवीन द बैंक एंड इट्स ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स वीजा एंड मास्टर कार्ड ओके एक्सपायर्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो इंडिया के जितने भी डेबिट कार्ड, उसमें 42% जो रुपए का कंट्रोल है हालांकि, लेकिन उसके बाद में भी, लेकिन अगर अपन पॉइंट ऑफ सेल की POS मशीन की बात करें तो वहाँ पे इसका सिर्फ और सिर्फ 16% है, ई ट्रांजेक्शन की बात करें तो। तो इसका जो सही आंसर है वो है NPCI ओके NPCI इसका सही आंसर है, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये क्या कर रही है? रुपए को थोड़ा सा और अपग्रेड कर रही है ताकि ई कॉमर्स के अंदर और टोटल जो POS है वहाँ पे भी अच्छे से काम में ले सकें। इंटर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक कमिटेड टू सपोर्टिंग द प्राइवेट सेक्टर इन लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन आई एंटरटेन इन टू द कोलेबरेशन विथ विच बैंक। तो देखिए, एक इंटर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है जिसने एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के साथ में कमिटेड किया है, यानी कि सपोर्ट करने की बात करी गई प्राइवेट सेक्टर के अंदर लैटिन अमेरिका में और कैरेबियंस के अंदर। तो ये कौन से बैंक के साथ में टाइप में आए हैं? तो देखिए, आपका जो सही आंसर वो है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक हैज एंटर्ड इन टू द कोलेबरेशन विद द इंटर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ताकि वो ट्रेड कर सके लैटिन अमेरिका के अंदर और कैरिबिया के अंदर। तो ये प्राइवेट सेक्टर एक बैंक है। तो आपका जो आंसर है वो है एक्सिस बैंक ओके एक्सिस बैंक। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाबार्ड सेलिब्रेटेड द सिल्वर जुबली ऑफ SHGBLP एट विज्ञान भवन इन नेशनल कैपिटल ऑन 11 जुलाई बाय विच कमिटी रिकमेंडेशन नाबार्ड वॉज एस्टैब्लिश। तो देखिए, सबसे पहले नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ये एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है इंडिया के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और देश के अंदर जितने भी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड मैटर्स हैं, पॉलिसी हैं, प्लानिंग है, ऑपरेशन है, वो सभी काम कौन करेगा? नाबार्ड करेगा, इसीलिए इसको बनाया गया था। तो 36वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, सिल्वर जुबली इन्होंने मनाई है दिल्ली के अंदर। तो कौन सी कमेटी है जिसके रिकमेंडेशन से बना था? उसका आंसर है शिव रमन कमेटी। तो शिव रमन कमेटी ने रिकमेंडेशन की थी नाबार्ड के फॉर्मेशन की। कब बना था? 1982 में बना था। ठीक है, 12 जुलाई 1982। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर्ष कुमार भानवाला, अभी ये इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IMPS। तो IMPS के बारे में आपने सुना होगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। ठीक है, जब आपको जल्दी से पैसा भेजना हो तो उसके लिए IMPS करते हैं। तो ये तीन स्टेटमेंट है, बताइए आपको कि कौन सा गलत है। IMPS क्या है? इंस्टेंट इंटर बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस है, जो कि मोबाइल के थ्रू और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होती है। इंटरनेट चार्जेस 5 रुपये लगते हैं इसके अंदर, अगर आपने 1,000 से 1,00,000 रुपये के बीच में ट्रांसफ़र किया है तो। SBI ने इसमें क्या किया है? वेव किया है इसमें चार्जेस। अगर आप 1,000 रुपये तक में करते हो तो आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे स्मॉल ट्रांजेक्शन को लेकर। तो क्या ये तीनों सही है? हाँ फ्रेंड्स, तीनों ही सही है। आपको जो सही आंसर है वो डी है, ऑल द अबाव। ठीक है, जो अपन ने बात करी वो सभी सही है। GST 12-18% लगने के बाद में भी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो कुछ इसी प्रकार हो पाएंगे। ठीक है, और IMPS के बारे में आपको बता दिया क्या है, इंस्टेंट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस है, जो कि मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली एस्टैब्लिश एन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म विथ इंडिया। तो कौन सा, किसने अभी रिसेंटली इंडिया के साथ में एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म अडॉप्ट किया है? तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को लेकर यूरोपियन यूनियन और इंडिया। तो आपका जो आंसर है वो है ए है। ठीक है, यहाँ पे दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की बात करी गई है कि प्रमोट कर सके, फैसिलिटेट कर सके इन्वेस्टमेंट कौन? EU इंडिया में, और वाइस वर्सा, इंडिया भी EU में। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संदीप चक्रवर्ती को अपॉइंट किया गया अभी हेड
किस इंडियन कंसुलेट और कौन से सिटी के अंदर? तो देखिए, इंडियन एम्बेसडर टू पेरू अपॉइंटेड न्यू कंसल जनरल, तो न्यूयॉर्क के जो कंसल है जनरल वो इनको अपॉइंट किया गया है और इंडिया एम्बेसडर रह चुके हैं ये पेरू में। ओके, और ये आईएफएस ऑफिसर थे वो 1996 के बैच के, और ये जो ये पहले इससे पहले कौन थे? गांगुली दास थे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो तो है न्यूयॉर्क। ठीक है, काउंसुलेट कहाँ पे अपॉइंट करे गए हैं? न्यूयॉर्क के अंदर। खत्मा बुतुलगा इज गोइंग टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये जो बतुलगा जी हैं ये नए प्रेसिडेंट बनाए गए, कौन से देश के बनाए गए? ये मंगोलिया के बनाए गए हैं। तो आपका जो आंसर है वो है डी, मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया कहाँ पर है? चाइना और रशिया के बीच में है। ये देखिए, ये मंगोलिया है और चाइना और रशिया के बीच में है। तो आपके इसको लोकेशन भी ध्यान रखनी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डीजी ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस? तो जीएसटी इंटेलिजेंस के जो डीजी है वो कौन अपॉइंट करे गए हैं, ये आपका सवाल है। ओके, तो देखिए 1983 के बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं, कस्टमर सेंट्रल एक्साइज के, उनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल। ठीक है, सीनियर ब्यूरोक्रेट है जॉन जोसेफ। तो आपका जो आंसर है वो है ए, जॉन जोसेफ को अपॉइंट किया गया है हेड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ WHO गुडविल एम्बेसडर फॉर ऑटिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया? तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ऑटिज्म की प्रॉब्लम बहुत है, तो उसी को लेकर क्या है गुडविल एम्बेसडर बनाई गई है एक पर्सन, तो ये कौन है? तो देखिए, सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये ऑटिज्म क्या है? ये बच्चों के अंदर होता है कि जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्या? ठीक है, दिमाग की प्रॉब्लम है जिसमें बच्चा अच्छे से बात नहीं कर पाता, इंटेलेक्चुअल लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। और यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है साइमा, साइमा हुसैन, इनको अपॉइंट किया गया है गुडविल एम्बेसडर साउथ ईस्ट एशिया में ऑटिज्म को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI has decided to appoint Ravi Shastri as a chief coach. Which one of the following appointed bowling coach? तो रिसेंटली अभी बॉलिंग कोच भी अपॉइंट करने की बात करी गई थी। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट्री है। जब अगर अपन बात करते हैं बॉलिंग कोच और बैटिंग कोच की, तो रवि शास्त्री जी से पहले पूछे बिना जो अपनी सदस्यता कमेटी है BCCI की, गांगुली जिसके अंदर है, सचिन है, लक्ष्मण जी है, इन सब ने राहुल द्रविड़ और जहीर खान को अपॉइंट किया था बॉलिंग कोच। लेकिन जब रवि शास्त्री से पूछा गया जो कि कोच अपॉइंट करे गए, तो उन्होंने खुद का स्टाफ सिलेक्शन करने की बात करी गई, तो उन्होंने जहीर खान को अपॉइंट नहीं होने दिया। जहीर खान, राहुल द्रविड़ को उन्होंने एज ए सलाहकार के तौर पर टीम में रखा है, लेकिन जो कोच बनाए गए वो संजय बांगड़ और एक और दूसरे पर्सन है वो कोच बनाए गए हैं। ओके, और दूसरे पर्सन है अरुण जी, ठीक है, अरुण उनका नाम है, उन्होंने उनको अपॉइंट किया है बॉलिंग कोच। तो यहाँ पे आपके जो सारे ऑप्शन है वो गलत हैं, तो यहाँ पे एक ई कार्ड के नन ऑफ दीज होना चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे आंसर आएगा, और यहाँ पे जो एक्चुअली में बनाए गए हैं वो अरुण बनाए गए हैं। अरुण जी और रवि शास्त्री जी किसी टाइम पे दोनों साथ में खेला करते थे, तो उनको बॉलिंग कोच बनाया गया है, संजय बांगड़ जी को कोच बनाया गया है। ठीक है, ये इन्होंने स्टाफ सेलेक्ट किया है। हु इज अपॉइंटेड एज ए DEA सेक्रेटरी रिसेंटली? तो सुभाष गर्ग जी को अपॉइंट किया गया है DEA सेक्रेटरी। ठीक है, तो आपको जो आंसर है वो क्या है? सुभाष गर्ग। ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव, ये पहले वर्ल्ड बैंक के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं सुभाष चंद्र गर्ग, और इनको अभी अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी इसके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर क्रिकेटर विल बी द फेस ऑफ द टीम इन द लीड अप टू द 10th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इंडोर क्रिकेट फेडरेशन वर्ल्ड कप? तो देखिए, WICF चालू होने वाला है, और यहाँ के लिए एक फॉर्मर क्रिकेटर है, उनका टीम के लिए लीड फेस अपॉइंट करे गए हैं, तो ये कौन है? ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? कुल मिला के हज़ार बातों की एक बात है, तो संदीप पाटिल है, उनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर इंडोर क्रिकेट टीम के। ठीक है, और ये मेंबर भी थे 1983 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के। तो आपका जो यहाँ पे आंसर है वो क्या है? संदीप पाटिल। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि जो वर्ल्ड कप होने वाला है इंडोर का, ये कहाँ होगा? दुबई के अंदर होगा। ठीक है, सितंबर के अंदर ये होगा। अब आपको यहाँ पे BCCC के बारे में 3 पॉइंट है, ये बताना है कि कौन सा सही है गलत है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सेटअप करी गई थी 2009 में। ये क्या है? इसका काम क्या है? एग्जामिन करना, कंटेंट रिलेटेड कंप्लेन को देखना, नॉन न्यूज़ जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स है इंडिया के अंदर उनके बारे में रिव्यू करना। और अभी जस्टिस विक्रमाजीत सेन जी को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन, किसका? BCCC का। तो आपने देखा होगा हमेशा, जो कि आप TV देखते हैं, अगर आपको उनके कंटेंट से कोई प्रॉब्लम है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं BCCC के अंदर। तो ये वही कंप्लेन बोर्ड है। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है वो सभी सही हैं आपके वैसे, और यहाँ पे डी आपका आंसर है। और इम्पॉर्टेंट क्या है? जस्टिस विक्रमजीत सेन जी को अपॉइंट किया गया है, रिसेंटली हेड बनाए गए हैं टास्क फोर्स के। ओके, 4 टास्क फोर्स बनाई गई नीति आयोग के द्वारा रोड मैप बनाने के लिए, जो पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करने को लेकर। तो इसके हेड कौन अपॉइंट करे गए हैं? ठीक है, ये आपका सवाल है।
तो यहाँ पे देखिए, नीति आयोग आपके बारे में आपको पता ही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी थिंक टैंक है। तो इन्होंने चार टास्क फोर्स बनाई है टू प्रिपेयर ए रोड मैप फॉर रिड्यूसिंग पॉल्यूशन लेवल इन द कंट्री। और ये टास्क फोर्स किसके ऊपर बनाई गई है? एक तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर, बायोफ्यूल के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर और एयर के ऊपर। तो नीति आयोग के जो CEO हैं अमिताभ कांत, ओके, उसको उनको हेड बनाया गया है। तो आपका जो आंसर है वो तो सी है, ठीक है। इसके अलावा कई सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके भी यहाँ पे लोग इंक्लूड किए जाएंगे। और आपको पता होगा कि जो नीति आयोग के प्लानिंग कमीशन को हटा के बनाया गया, नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन है, अरविंद पंगरिया जी इसके वाइस चेयरमैन है, वीपी हैं, वाइस चेयरमैन वीसी हैं, और साथ में CEO कौन है? अमिताभ कांत है। और एग्जीक्यूटिव भी है कई सारे इसके, जैसे कि दीबॉक देब्रॉय हैं, वीके सरस्वत जी हैं, रमेश चंद हैं, ये सब इसके मेंबर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, वॉर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ट्रॉफी दी गई है बेस्ट परफॉर्मिंग इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट को, 15, 16 और 14, 15 के लिए। किसको दी गई है? ये दी गई है टाटा स्टील को, प्राइम मिनिस्टर ट्रॉफी बेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए, और कंसेक्यूटिवली तीसरे साल उन्होंने अवार्ड जीता है। तो आपका आंसर है टाटा स्टील। अभी मारुति सुजुकी स्पोर्ट्समैन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किनको दिया गया है? तो देखिए, जो सिंधु जी हैं, पीवी सिंधु जी, उनको ये अवार्ड दिया गया है, जिन्होंने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है, स्पोर्ट्समैन ईयर ऑफ द अवार्ड। तो आपका आंसर है पीवी सिंधु। और यहाँ पे जो सिंधु के कोच हैं पुलेला गोपीचंद, उनको भी कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और जो सिख फ्लाइंग सिख है मिल्खा सिंह जी, उनको लिविंग लेजेंड का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा 2008 में बीजिंग ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट और कंट्री के एकमात्र सोल गोल्ड मेडल विनर इंडिविजुअल इवेंट में ओलंपिक में, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। IROAF ने रिसेंटली अवार्ड दिया है कोवेटेड नेशनल लेवल गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2017 का। ये किस अचीवमेंट के लिए दिया गया है, ठीक है? तो यह इंडियन रेलवेज ने अचीव किया है मेजर लैंडमार्क इन द फील्ड ऑफ इको फ्रेंडली फ्यूल टेक्नोलॉजीज एट इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेट फ्यूल। तो ये क्या है? अल्टरनेट फ्यूल है, ठीक है। और यहाँ पे किस लिए दिया गया है इनको? डीजल इंजन के लेकर दिया गया है, फॉसिल फ्यूल के। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? CNG को लेकर होगा, CNG फॉर सब्सटीट्यूशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स डीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन कन्फर्ड द पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द स्कॉच कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड की बात की गई है, स्कॉच जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है उन्होंने ये अवार्ड किनको दिया है? तो विजय बैंक के जो MD और CEO हैं उनको ये अवार्ड मिला है। कौन है? किशोर सेंसी, MD और CEO हैं विजय बैंक के। तो आपका जो आंसर है वो तो क्या है? बी है। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है विजय बैंक का? बैंगलोर के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच सिटी हैज होस्टेड एशियन एथलीट चैंपियनशिप 2017? तो 2017 की अभी रिसेंटली एशियन एथलीट चैंपियनशिप हुई थी, ये किस सिटी ने इसको होस्ट किया था? तो देखिए, यहाँ पे इंडिया टॉप मेडल यहाँ पे इंडिया ने जीते हैं एशियन एथलीट चैंपियनशिप के अंदर, और चाइना जहाँ पे सेकंड नंबर पे रहा है। 4 दिन का इवेंट था जहाँ पे इंडिया ने कुल 12 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज जीते हैं। और ये कहाँ पे कराई गई? कलिंगा स्टेडियम में। कहाँ पर है? भुवनेश्वर के अंदर है। तो आपका आंसर जो है वो है सी, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ पर कलिंगा स्टेडियम, वहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई गई थी। साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल 2017 का किसने जीता है? तो ये हरविंदर पर्सन है, इंडियन है हरविंदर, ओके, हरविंदर पाल सिंधु, उन्होंने हराया है डाउलिंग को, ऑस्ट्रेलिया के जो पर्सन है, और जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वाश टाइटल। तो आपका जो आंसर है वो तो है बी, हरविंदर पाल सिंधु, ठीक है। और ये उनका 8th टाइटल है PSA लेवल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने एक स्क्रिप्ट लिखी है और दुनिया में सबसे ज़्यादा ODI के अंदर रन बनाने वाली एक इंडियन बैट्समैन है कि ओके, तो ये कौन सी प्लेयर है? तो सभी को पता है, बहुत ही आसान सा आंसर है, मिताली राज है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली भी इंडियन बॉलर ही है, झूलन गोस्वामी, 189 विकेट इन्होंने लिए हैं। ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर हैं ये, और जो अपनी मिताली राज है ये ऑल टाइम सबसे ज़्यादा रन गेटर हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे कौन थी पहले? ये चार्लॉट एडवर्ड थी, ठीक है, इंग्लैंड की, उनको इन्होंने पीछे किया है। तो यहाँ पे आपका आंसर है मिताली राज। KKM मेमोरियल गोल्ड कप ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो देखिए, प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया है 7th एडिशन KKMM का मेमोरियल गोल्ड कप, और ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड है, जो कि वेस्ट बंगाल में कराया गया है। तो आपका आंसर क्या है? फुटबॉल। अब देखते हैं बुक्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी रिसेंटली एक बुक लिखी गई है नरेंद्र दामोदर दास मोदी द मेकिंग ऑफ ए लेजेंड, ये किन्होंने लिखी है? तो सबसे पहले तो जो RSS के चीफ हैं उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है, तो इनको उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ थे अमित शाह वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और इस बुक को लिखा है बिंदेश्वर पाठक ने, जो कि एक पद्म भूषण रेसिपिएंट है,
जिन्होंने सैनिटेशन को लेकर बहुत काम किए हैं दुनिया में। तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वह है बिंदेश्वर पाठक। प्रेसिडेंट लेडी ए बुक ऑन सूर्या मुखर्जी द लेट वाइफ ऑफ प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी इज ऑथर्ड बाय। तो एक किताब लिखी गई है प्रेसिडेंट लेडी ए बुक ऑन सूर्या मुखर्जी, जो प्रेसिडेंट की जो वाइफ का नाम है ये, ओके, उनके ऊपर किन्होंने लिखी है। तो ये संगीता घोष है, उन्होंने ये किताब लिखी है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी थे वहाँ पे जिन्होंने इसको रिलीज़ किया है किताब को। प्रेसिडेंट लेडी जो कि वाइफ है किनकी, जो अपने प्रेसिडेंट है उनकी, ठीक है। तो उसके वहाँ पे उस इवेंट के वहाँ पे उन्होंने इस किताब को रिलीज़ किया है और ये किन्होंने लिखी है, संगीता घोष जी ने इसको लिखा है। तो देखते हैं दैट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी रिसेंटली। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, कि 7 मेंबर कमिटी अपॉइंट करी गई थी BCCI के द्वारा, ओके, तो उसके हेड कौन है। तो देखिए इसके हेड कौन बनाए गए हैं, राजीव शुक्ला जी के बनाए गए हैं, जो कि फॉर्मर BCCI, पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके थे BCCI के। अब वो क्या करेंगे, ये जो न्यूली फॉर्म्ड 7 मेंबर कमिटी है उसको हेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, राजीव शुक्ला। और BCCI के अभी एक्टिंग सेक्रेटरी कौन है, अमिताभ चौधरी है, और इसके अंदर कई और भी लोग इंक्लूड होंगे, जैसे कि सौरभ गांगुली है और मैथ्यू है, जय शाह है, और भी कई सारे पर्सन हैं। तो ये हालांकि डेथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें डाल दिया गया है, तो मैं आपको ये अलग से बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, नरेश चंद्र पाजडव रिसेंटली ही वॉज अ फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री। तो ये अपने डेथ सेक्शन से रिलेटेड है और यहाँ से अपना डेथ स्टार्ट होता है। तो नरेश चंद्र जी रिसेंटली डेथ हुई थी, एम्बेसडर थे इंडियन, कौन से देश के थे ये, तो ये US के थे। तो आपका आंसर क्या है, US। रिसेंटली पद्म भूषण अवार्डी थे अपने डॉक्टर पी चंद्रा शेखरन, उनकी डेथ हुई है। ये एक्सपर्टाइज किस फील्ड में थे, तो ये किस में थे, फॉरेंसिक के अंदर थे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे ये, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, ठीक है। और उन्होंने कई किताबें भी लिखी है, फेमस क्या थी, द फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब, ठीक है, जो कि राजीव गांधी केस के ऊपर थी। तो ये यहाँ पे थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज विनर थे अभी एक लियो ज़ियोम्बी, उनकी रिसेंटली डेथ हुई है। ये किस फील्ड में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो बहुत ही चाइना के बहुत ही लेजेंडरी पर्सन थे, दुनिया में काफ़ी इनका नाम था, तो नोबेल इनको अवार्ड मिला था। तो नोबेल किस बिहाफे या फिर किस फील्ड में इनको दिया गया था, ओके, तो ऑब्वियस है, देखिए दुनिया में जो ज़्यादातर जो बड़े लोग होते हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो उनको पीस अवार्ड ही दिया जाता है, जो कि दुनिया में पीस फैलाने का काम करते हैं। 2010 में इनको ये अवार्ड दिया गया था, डेमोक्रेसी को लेकर इन्होंने काफ़ी बातें करी हैं चाइना में। और यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है पीस, ओके। सो फ्रेंड्स, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर था, जो कि आपके सेकंड वीक से था। तो उम्मीद है मैं आपके लिए थर्ड वीक का जल्दी लेके आऊँगा, और आप ऐसे ही हमारे साथ में बने रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।